हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट वन लाइनर जीके पढ़ेंगे, जो कि आपके आने वाली सभी वन डे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूपिल गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, आंसर हो जाएगा आपका श्रीनगर में है। ये आपका श्रीनगर में कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूपिल गार्डन जो है आपका, ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर दो दिया हुआ है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपका, ठीक है। ध्यान रखना, हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री दिया हुआ है आपको, PSLV का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ध्यान रखना, PSLV आपका एक लॉन्च व्हीकल है, इसमें आपकी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च की जाती है, तो इसका फुल फॉर्म है आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर फोर, विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेडवुड। जो रेडवुड है, ये विश्व का सबसे लंबा वृक्ष है आपका, ठीक है। सबसे लंबा वृक्ष की बात करें तो रेडवुड आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दिया हुआ है आपको, किस फिल्म को बेस्ट फिल्म में ऑस्कर अवार्ड मिला है? तो पैरासाइट जो मूवी है, इसको बेस्ट फिल्म में ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, ठीक है। बेस्ट फिल्म में ऑस्कर अवार्ड किसे मिला था? पैरासाइट को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1951 से 1956 तक आपकी पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 में लागू की गई थी, 1956 यानी कि 5 साल की आपकी पंचवर्षीय योजना होती है, तो 5 साल में ये कंप्लीट हुई थी आपकी 1951 से 1956 तक। और इसमें क्या, किस पे बल दिया गया था? आपका कृषि पे बल दिया गया था, पहली पंचवर्षीय योजना में आपका कृषि पे बल दिया गया था। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर सेवन दिया हुआ है आपको, भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ? तो 2016 में भारत में विमुद्रीकरण हुआ था, ठीक है। विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है? मुद्रा में चेंज, मुद्रा में चेंजेस होना ही आपका विमुद्रीकरण कहलाता है। तो 2016 में भारत की मुद्रा चेंज हुई थी, आपको ध्यान रखना है 2016 में हुई थी ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एट दिया हुआ है आपको, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के जो है, ये आपका रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है आपका, ठीक है। विटामिन के का नाम ध्यान रखना, विटामिन के है आपका, ये रक्त का थक्का जमाने में आपको सहायता करता है। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर नाइन, लाहौर, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में कहाँ पर हुआ? इसमें क्या मांग की गई थी आपकी? तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी आपकी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, यहाँ पे आपके पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और इसी लाहौर अधिवेशन में ये डिसाइड हुआ था कि जो आपका गणतंत्र दिवस है वो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाएगा, यानी कि पहली बार 26 जनवरी को यहाँ पे तिरंगा फहराया गया था, और इसी दिन को इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भारत का गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को ही मनाया जाएगा। तो इसी कारण आपका जो गणतंत्र दिवस है वो हर साल 26 जनवरी को ही मनाया जाता है, ठीक है। भारत का संविधान बनकर आपका दिसंबर में ही लागू हो गया था, पर जनवरी का वेट क्यों किया इन्होंने? क्योंकि इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था आपके लाहौर अधिवेशन में 1929 में कि आपका जो गणतंत्र दिवस है वो आपका 26 जनवरी को ही मनाया जाएगा, इसलिए इन्होंने एक महीने का और वेट किया था, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको, द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? वाइट टाइगर नामक पुस्तक है आपकी, उसके लेखक कौन है? आपके अरविंद अडिग, अरविंद अडिग जो है आपके द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक है। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका जेनेवा में हो जाएगा, और जेनेवा कहाँ पे? आपका स्विट्जरलैंड में, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसे, हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये जेनेवा में है, और जेनेवा कहाँ है? आपका स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म, हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय आपका जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, बार्क का पुराना नाम क्या है? बार्क जो है आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका फुल फॉर्म है आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है।
इसका पुराना नाम पूछा है आपसे, पुराना नाम हो जाएगा आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। बार्क का पुराना नाम क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये इसका पुराना नाम है। और बार्क का फुल फॉर्म से एग्जाम पूछा लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है आपका? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई के थाने, मुंबई में, ठीक है, मुंबई में है आपका, महाराष्ट्र राज्य में। तो बार्क का मुख्यालय आपका मुंबई में हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और इसका जो पुराना नाम है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, किस आईटी कंपनी ने कंप्यूटर का उत्पादन करना बंद कर दिया है? तो आईबीएम कंपनी ने आपका कंप्यूटर का उत्पादन करना बंद कर दिया है। आपका तरीका आईबीएम कंपनी है आपकी, इसने कंप्यूटर का उत्पादन करना बंद कर दिया है। ये आपकी आईटी कंपनी थी, इसने कंप्यूटर का उत्पादन करना बंद कर दिया फिलहाल। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 14, किस घटना के कारण रेगिस्तान में बालू पानी की तरह चमकती दिखाई देती है? तो ये मृग मरीचिका के कारण होता है आपका, ठीक है, सुना ही होगा आपने सभी ने मृग मरीचिका। इसकी वजह से जो बालू होती है आपकी वो पानी की तरह चमकती दिखाई देती है। आप रेगिस्तान में देखोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि कई दूर आपसे थोड़ी दूरी पर पानी का आपको एहसास होगा कि सामने आपका तालाब बना हुआ है, वहाँ पानी है, जबकि वहाँ पानी नहीं होता, आपकी रेत ही होती है, वो पानी की तरह चमकती हुई दिखाई देती है आपको, ठीक है। तो ये घटना आपकी किस वजह से होती है? ये मृग मरीचिका की वजह से होती है, और ये आपकी रेगिस्तान के अलावा सड़क पे भी होती है। जब आपने देखा होगा रोड वगैरह पे, दूर से ही आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आगे आपके रोड पे पानी है, पर वहाँ जब आप पहुँचोगे तो पानी नहीं मिलेगा आपको। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा आपका ये मृग मरीचिका के कारण होता है। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? कोणार्क का मंदिर, आगरा फोर्ट, हवा महल, एलिफेंटा की गुफा है। इसमें से आपको बताना है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है आपका? तो जो आपका ये हवा महल है, ये आपका यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। बाकी आपका कोणार्क का मंदिर, आगरा फोर्ट और एलिफेंटा की गुफा है, ये तीनों आपकी विश्व विरासत सूची में शामिल है, और आपका हवा महल इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे 15 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 16, किस उम्र में बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा अनिवार्य है? किस उम्र के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा अनिवार्य है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए आपका निशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, ठीक है। ये आपका मूल कर्तव्य में आता है आपका कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा करवाई जानी चाहिए, ठीक है। ये आपका मूल कर्तव्य में भी शामिल कर लिया गया है आपका संविधान के अंतर्गत। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 17, दिसंबर 2020 तक T20 क्रिकेट में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो आपका इंग्लैंड जो है दिसंबर 2020 तक T20 क्रिकेट में प्रथम स्थान पर रहा था आपका, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा देश आ गया है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है आपको, फोरट्रेन का पूरा नाम क्या है? तो फोरट्रेन का पूरा फुल फॉर्म होता है आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। फोरट्रेन आपकी एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। ध्यान रखना, फोरट्रेन कंप्यूटर की लैंग्वेज है आपकी, इसका पूरा फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 19, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में आपका राष्ट्रगान गाया गया था, ठीक है। आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, यहाँ पे पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था आपका, ठीक है, ध्यान रखना इसे। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20, एमएस वर्ड में F7 की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्तनी और व्याकरण अशुद्धियों को चेक करने के लिए आपका एमएस वर्ड में F7 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। F7 एक की होती है आपकी, कंप्यूटर में देखी होगी आपने, F1 से लेकर F12 तक आपकी की होती है। इसमें आपका एमएस वर्ड में अगर हम F7 की को प्रेस करेंगे तो आपका जो किसी भी वर्ड में आपकी अगर ग्रामर मिस्टेक होगी या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी आपकी, तो उस अशुद्धियों को चेक करती है आपकी F7 की, ठीक है। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 21, भारत की कौन सी संस्था बीमा को नियमित करती है? तो जो IRDA है आपकी, ये IRDA, ये संस्था आपकी बीमा को नियमित करती है, ठीक है। भारत की संस्था है ये IRDA, ये बीमा को नियमित करती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 22, कॉफ़ी और चाय किस प्रकार की खेती है? तो ये नकदी फसलों के अंतर्गत आती है, ठीक है। कॉफ़ी और चाय जो है आपकी नकदी फसलों के अंतर्गत आती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो कॉफ़ी और चाय की जो फसलें होती है, इनको हम डायरेक्टली बेच के पैसा कमा सकते हैं। ये हमारे किसी यूज़ में भी आती है, पर इनको डायरेक्टली बेच कर हम पैसा कमा सकते हैं, इसलिए इन्हें नकदी फसलें कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 23, एडीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है?
तो डेंगू होता है आपका एडीज मच्छर के काटने से कौन सा होता है, डेंगू रोग होता है। ध्यान रखना साइंस का क्वेश्चन है आपका, एडीज मच्छर के काटने से आपका डेंगू रोग होता है। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 24, भटियाली लोकगीत किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से संबंधित आपका भटियाली लोकगीत। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भटियाली लोकगीत, एग्जाम में पूछा गया है पहले भी क्वेश्चन, आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित लोकगीत है ये भटियाली। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 25, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो मैग्नीशियम को हम Mg लिखते हैं, पता ही है सभी को, सोडियम का Na है हो जाएगा, कैल्शियम का Ca, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, इस तरह से आपका मैग्नीशियम का Mg हम दर्शाते हैं इसे। ठीक है, रासायनिक प्रतीक आपका Mg होता है मैग्नीशियम। ठीक है, अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 26, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर 1961 को हर साल गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो गोवा है आपका ये 1961 में आपका एक अलग राज्य बना था, पहले आपका जो गोवा था ये आपका यूनियन टेरिटरी था और बाद में इसे 1961 में राज्य बनाया गया है। और किससे मुक्त हुआ था ये आपका पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। आपके जो पुर्तगाली थे सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे लास्ट तक भारत में कहाँ पर रहे, गोवा राज्य में, तो गोवा से उन्हें भगा के गोवा को मुक्त किया था और 1961 में इसे राज्य बनाया था। इसीलिए गोवा मुक्ति दिवस के रूप में हर साल 19 दिसंबर 1961 से मनाते आ रहे हैं। और गोवा राज्य कब बना था, 1961 में, तो ध्यान रखना इसे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है आपको, हैदराबाद शहर को किसने बसाया था, तो हैदराबाद शहर को आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बसाया था। ठीक है, हैदराबाद शहर की स्थापना किसने की थी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना हिस्ट्री के लिए, हैदराबाद शहर की स्थापना आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। तो गाइज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आप आज के वीडियो का, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइज़।